हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय गाइडल्टी। जामिया मिलिया इस्लामिया द मोस्ट रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी, जहां प्री प्राइमरी से हायर एजुकेशन तक की एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। यहां पर देश के कोने कोने से स्टूडेंट्स एडमिशन के लिए बेतहाशा मेहनत करते हैं। आपको मालूम होगा कि यहां के मोस्टली कोर्सेस में एडमिशन एंट्रेंस बेसिस पर होते हैं। आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही एक एंट्रेंस के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जो हाल ही में 24 अक्टूबर 2020 को जामिया में साइंस स्ट्रीम के लिए ये एंट्रेंस हुआ था। ये जो एंट्रेंस था ये 2 आवर्स का था और इसमें 100 जो है ये मैक्सिमम मार्क्स थे और 100 ही क्वेश्चंस भी थे। इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी और तीनों ही लैंग्वेज में थे, इंग्लिश, उर्दू और हिंदी। इन तीनों ही लैंग्वेज में क्वेश्चन पेपर दिया गया था। तो आज के इस वीडियो में हम 11th क्लास के साइंस स्ट्रीम का एंट्रेंस एडमिशन के लिए जो क्वेश्चन थे उनके आंसर्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। वन बाई वन हम सारे 100 क्वेश्चन को देखेंगे, लेकिन चूंकि वीडियो लॉन्ग हो जाएगी ऐसा करने से, तो इस वजह से जो भी करेक्ट आंसर है उस करेक्ट आंसर को इस तरीके से रेक्टेंगुलर शेप में घेर दिया गया है, जो ये डिनोट करता है कि करेक्ट आंसर क्या है। तो आप अपने आंसर, अपने क्वेश्चन से क्वेश्चन को मैच कर सकते हैं कि आपने अपने एग्जाम में क्या ऑप्शन ऑप्ट किया था। तो यहाँ से चेक कर सकते हैं, आप अपने मार्क्स को भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि ओवरऑल आपकी कितनी कितने मार्क्स बन पा रहे हैं। अभी जो 24 तारीख को जो एंट्रेंस हुआ था साइंस स्ट्रीम वाला, तो चलिए हम वन बाय वन देखते हैं कि सारे क्वेश्चंस जो है कौन कौन से थे और किस तरह के थे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, तो इसका आंसर ए है, तो चूंकि ए को ही यहाँ पर घेरा गया है, तो दैट मीन्स कि आंसर क्या होगा, आंसर ए होगा। इसी तरीके से 9 का बी है। ऐसे ही आप देखेंगे वन बाय वन सारे क्वेश्चंस के जो हैं आंसर्स लगा दिए गए हैं। इसमें अगर हम क्वेश्चंस के बारे में बात करें तो लेवल जो है काफ़ी बढ़िया है, एकदम ट्रिकी तरह के क्वेश्चंस हैं, ट्रिकी वे में जो बनाते हैं क्वेश्चंस, और GS, साइंस, मैथ्स और लास्ट में इंग्लिश भी दे रखा है, तो अच्छा है लेवल, काफ़ी बढ़िया है क्वेश्चंस का लेवल। अगर आप देखेंगे तो देख करके ही अंदाज़ा हो जाएगा कि इसका जो है लेवल कैसा है, कैसा इन्होंने क्वेश्चन पेपर बनाया है। तो ऐसे ही आप देखेंगे ये क्वेश्चन नंबर 15 है, 15 में जो इसका सही आंसर है वो यूरोक्रोम है। इस स्टूडेंट ने गलत लगाया था यूरिक एसिड, तो या कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जो यूरिया लगा करके आए होंगे। तो क्वेश्चन जो है बढ़िया था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, अच्छे लेवल थे क्वेश्चन के। ऐसे ही आप वन बाई वन देखेंगे तो आपको अंदाजा हो ही जाएगा। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 18 कि वेन कावा जो है किससे जुड़ा हुआ है, तो राइट आरटीएम से। बाकी आप देखेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कितना बढ़िया लेवल बनाया गया है क्वेश्चन का। और ये जो क्वेश्चन है ये सिर्फ उन्हीं के लिए नहीं है जिन्होंने ये फॉर्म भरा है, या जो नेक्स्ट ईयर या इन फ्यूचर 11th के की तैयारी करेंगे जामिया के एंट्रेंस के लिए। बल्कि चूंकि क्वेश्चन अच्छा है, लेवल अच्छे हैं, तो ये किसी के लिए भी हो सकता है, जो भी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो तो उन सभी के लिए हैं ये। ये देखिए फिजिक्स वगैरह भी इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ रखा है, तो ओवरऑल जब देखिएगा तो अंदाज़ा हो जाएगा। आप बीच बीच में वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं कि सही आंसर क्या है, क्वेश्चन क्या है, पूछने का अंदाज क्या है। तो ये वीडियो बनाने का एक रीज़न ये भी था कि
जामिया के एंट्रेंस से रिगार्डिंग खास रूप से क्वेश्चन पेपर के बारे में अगर बात करूं तो स्टूडेंट्स बहुत परेशान होते हैं, तो इस वजह से अब मैंने डिसाइड करा है कि अगर क्वेश्चन पेपर वगैरह आए तो वो भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाए। तो वो भी कोशिश रहेगी कि आप तक ये जो क्वेश्चन पेपर है ये भी आपको प्रोवाइड कर दिए जाएं। तो इस तरीके से ये अभी तक क्वेश्चन नंबर 58 पर ही आए हैं। तीनों लैंग्वेज में होने की वजह से इतना ज़्यादा बड़ा लग रहा है क्वेश्चन, बाकी है 100 क्वेश्चन ही, बीच बीच में आप पॉज करके भी सारे क्वेश्चंस को देख सकते हैं। ये 58 चल ही रहा है अभी भी, साइंस का ही पोर्शन है इसमें, साइंस वाला ही चल रहा है क्योंकि साइंस है स्ट्रीम के लिए है, तो ऑब्वियसली साइंस के क्वेश्चंस तो सबसे ज़्यादा होंगे ही। अब ये देखिए इंग्लिश वाला जो है ये पार्ट शुरू हो गया है 76 से, ये इंग्लिश वाला पोर्शन स्टार्ट हो चुका है। और अभी भी इंग्लिश ही चल रहा है 93, और ये अनसीन पैसेज जो कि लास्ट क्वेश्चन है 100 तलक का। तो इस तरीके से ये सारे के सारे 100 क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आप छोटी वीडियो आपको पसंद आई हो और आपके लिए फ्रूटफुल साबित हो, बेनिफिशियल साबित हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो लाइक शेयर कमेंट्स बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।